ऐसी पोटास है। पोटास का जो मेन काम होता है वो रेजिस्टेंस पावर डेवलप करना होता है, मतलब पौधे को ऐसी कंडीशन में बचाए रखना जब टेंशन वाली कंडीशन हो, जैसे पानी नहीं दे पाएँ आप, पानी ज़्यादा चला गया है, या बीमारी ज़्यादा हो गई है, कीट ज़्यादा लग रहे हैं, यानी कि रेजिस्टेंस पावर वो डेवलप करता है, सूखा है, गर्मी है, ऐसी कंडीशन जो टेंशन वाली कंडीशन है उसमें पौधे को मजबूती से खड़ा रखता है। इवन पत्तियों में जो स्टोमेटा होते हैं, छिद्र होते हैं, उनको खोलना और बंद करने का काम भी पोटास का होता है। तो ये मानो जैसे हमारे शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं ना, जो हमारे शरीर से बीमारी और कीट से रक्षा करती हैं, उसी प्रकार से पौधे की रक्षा पोटास करता है। और पोटास हमारी ज़मीन में काफ़ी मात्रा में है, अगर आप सॉइल टेस्टिंग कराएंगे तो ये हमको चाहिए करीब करीब 250 से लेकर के 500 तक, 560 तक, 280 से 560 तक पर हेक्टेयर। फास्फोरस चाहिए होता 10 से 25, और जो नाइट्रोजन है ये चाहिए होता है 125 से लेकर 250 तक, नहीं ये भी करीबन 250 से लेकर 500 तक चाहिए होता है पर हेक्टेयर। लेकिन जो पोटास है वो ऑलरेडी बहुत मात्रा में है, सॉइल टेस्टिंग में 300 तक पाया गया है, 250, 300, 350, 400 तक भी है किलो पर हेक्टेयर, इतना चाहिए। जब पौधा स्ट्रेस में होता है, पानी की उपलब्धि नहीं होती, तो पोटास का फॉलिक स्प्रे करते हैं। उसके लिए देखिए, अगर आपने फर्टिलाइजर के रूप में डालना है तो शुरू में डालिए, क्योंकि ये इमोबाइल है, ये जो तत्व है ये धीरे धीरे मिलता है, ये एक साथ नहीं मिलता है। हाँ, अगर आपके पास ऐसी कंडीशन है, आपको लग रहा है कि ये कंडीशन आने वाली है, तो थोड़ा सा उससे पहले आप वाटर सोलूबल फर्टिलाइजर आते हैं, तो इतना बढ़िया है, आप नीचे ज़मीन में भी ना डालें, तो जो NPK और क्रिपको के आते हैं वाटर सोलूबल फर्टिलाइजर, ये इनका कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं आता है। देखिए, ज़मीन में डालने से बहुत अच्छा लाभ मिलता नहीं है, वो बने ही फोलियर स्प्रे के लिए हैं। डालने को आप डाल दोगे तो ऐसे मानोगे अगर आपने डाला तो 50% काम करेगा, वो 100% उसका वही काम करेगा। देखिए, किसी काम को अगर मान लीजिए हम दो काम जानते हैं और एक काम हमारा बहुत बढ़िया जिसमें हम मास्टर हैं और दूसरा काम हम नहीं जानते हैं, तो हमको वही काम तो आएगा जो हम करेंगे। अगर दूसरे काम पे बिठा देंगे तो वो हम करेंगे लेकिन वो मन मार के करेंगे। हाँ, देखिए, जितने भी ये इस तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, इवन अगर आप ज़मीन में देने वाले हैं, जैसे जिंक है, जिंक को आप धान के अंदर या किसी भी फसल में आप ग्रोथिंग फेज में डाल सकते हैं। इवन अगर धान में बाद में रोग आ रहा है, खैरा रोग आ रहा है, तब आप स्प्रे कर सकते हैं जो UDT फॉर्म में आता है। लेकिन यदि जितने भी तत्वों की बात है वो ग्रोथिंग फेज़ की आती है, जिस दिन आपने लगाई उस दिन से लेकर के फसल की बढ़वार की जो अवस्था होती है वो हर फसल की अलग अलग होती है, फिर वो मैच्योरिटी पीरियड में चला जाता है, तो उस कंडीशन में जो ग्रोथिंग फेज है वो सबसे बेस्ट होता है, तो उस समय ही डालना चाहिए। तो वाटर सोल्यूबल एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वालों के लिए भी हो सकता है। ज़्यादा मात्रा में नहीं डाली, हल्की मात्रा में डाल लीजिए, 5 ग्राम पर लीटर की डोज है, आप उसको 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से डाल लीजिए, तो उसका रेजिडुअल इफेक्ट नहीं आएगा। तीसरी बात माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की है, जिंक, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, बोरान। देखिए, एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको कि इन तत्वों में ही बीमारी का राज छुपा हुआ है। जिंक, मैग्नीज, कॉपर और सल्फर, ये 4 तत्व ऐसे हैं जो तत्व भी हैं और बीमारी भी पैदा करते हैं अपनी कमी होने से। आपने देखा होगा कार्बन नाजिम का नाम सुना होगा, कार्बन नाजिम जो है ये जिंक और मैग्नीज के बेस पे तैयार है। सल्फर अपने आप में मकड़ी नाशक भी है, फफूंदनाशी भी है, तत्व भी है अपने आप में, और ये ज़मीन सुधारक भी है, pH को भी मेंटेन करता है। कॉपर की डेफिशिएंसी में जो डाईबैक की समस्या आती है, बड़े पौधे में आपने देखा होगा जो फ्रूटिंग प्लांट हैं ऊपर से पौधा मरने लगता है, हालांकि उसके रीजंस बहुत सारे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स की कमी भी हो सकती है, पानी में पानी का कम और ज़्यादा भी पौधे को मिलना हो सकता है, और भी एबनॉर्मल कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन जो उसका मुख्य कारण है वो कॉपर की डेफिशिएंसी है। कॉपर का गन्ने में आप देखेंगे जो पत्ती है ऊपर की वो छोटी हो जाती हैं, और इसकी जो डेफिशिएंसी है नई पत्तियों में दिखाई देती है, ऊपर की जो पत्ती हैं वो छोटी दिखाई देने लगती हैं, तो कॉपर की जो कमी है वो उसकी कमी से बीमारी होती है। तो आप सोचो कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यदि हमारा ठीक से हो जाए तो बीमारी भी नहीं आएंगी। तो जिंक, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, बोरान, ये कहाँ से मिलेगा आपको, एक्स्ट्रा कहीं से नहीं डालना है। जब आपने बायोफर्टिलाइजर डाला हुआ है, ज़मीन का जीवांश कार्बन ठीक हो गया है, तो ये अपने आप मेंटेन कर लेगा, क्योंकि कम मात्रा में चाहिए होता है।
ज़्यादा करें आप, बहुत देसी तरीके बहुत बढ़िया हैं आपके पास में। आप कोई भी दाल ले लीजिए, दाल का जैसे आपने वेस्ट डिकम्पोजर में डाल के बताया होगा न्यूट्रिएंट्स के लिए, सोयाबीन की दाल है, ये सब कोई दो तीन दालों का मिक्सअप कीजिए, डिकम्पोजर में मिला के डाल दीजिए, या खाली भी डाल सकते हैं। जी बताइए। एक मिनट, कौन सा एनपीके वगैरह? हाँ, बिल्कुल नुकसान करते हैं, नुकसान करते हैं। कोई भी चीज़ है, नाइट्रोजन हो, फास्फोरस, जितने भी तत्व हैं ये 16 के 16 जो पौधे को चाहिए, ये अगर कुछ थोड़ी सी मात्रा में भी ज़्यादा हो जाता। प्रॉब्लम तो यही है, हमारे यहाँ क्या होता है, कुछ किसानों में ऐसा होता है सिस्टम कि अगर पड़ोसी ने 2 बैग डाले हैं तो मैं 3 डालूँगा, ये टेंडेंसी होती है हमारी, कि अगर उसने 4 डाले हैं तो मैं इससे कम नहीं रहूँगा, 5 डालूँगा। वो ये नहीं देखेगा कि मेरी फसल को ज़रूरत क्या है। अब वो ज़्यादा डालते हैं फिर उसको साइड इफेक्ट आने लगता है। इवन आप बोरोन जैसी ऐसी चीज़ है, बोरोन जहर का काम करने लगता है, अगर बोरोन का थोड़ी सी भी अधिकता हो जाती है तो वो टॉक्सिसिटी पैदा कर देता है भोजन के अंदर। जैसे इसमें मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जैसे ये क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, ये एक साथ कॉम्बिनेशन में आता है, ठीक है, जैसे कॉम्बिनेशन में ला के हमने इसको स्प्रे कर दिया। अब उसमें से जैसे 2 तत्वों की फसल को जरूरत थी, बाकी 4 की जरूरत ही नहीं थी, वो एक्स्ट्रा नहीं हो जाएंगे उसके लिए? एक्चुअली होता क्या है कि अभी ये कंडीशन है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है ही है, और वो एक लिमिटेड मात्रा में स्प्रे होता है। मान लीजिए आपने EDTA फॉर्म में ले लिया, अब EDTA फॉर्म में यदि आपने लिया तो 1 ग्राम पर लीटर की डोज है उसकी, जो पाउडर फॉर्म में आता है, तो 1 ग्राम में कुछ होने वाला नहीं है, वो लिमिटेड आप एक बार करेंगे उसको तो दिक्कत नहीं आने की है। हाँ, अगर आप 2-3 बार 4 बार रिपीट करेंगे तो दिक्कत आएगी फिर, तो एक बार यदि आप कर रहे हैं, चूँकि सॉयल में कंडीशन है ही, कम है ही, तो वो फिर उसको झेल लेता है, उसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कोई भी तत्व जो है, जैसे कमी में अपने लक्षण दिखाता है, ऐसे ही अधिकता में भी ये लक्षण दिखाता है। इवन उसके जो लक्षण हैं वो पौधे के अंदरूनी उसमें दिखाई देगा, या पत्तियों में क्या होता है कि वो डाईबैक की पोजीशन बन जाती है, मतलब पत्तियां के जो डेड सेल्स हैं वो डेड होने लगती हैं, इस तरह का उसमें शो करता है। आप नेट पे देखेंगे तो मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, उसकी भी एक लिमिटेड मात्रा है। आप क्योंकि आप अंदाजे से डाल रहे हैं तो वो देख लें, मान लीजिए आपने, आपको दिखाई दे रहा है, हाँ, मान लीजिए वो, आप ऐसा कर लीजिए ना, 2-3 तरह की दाल ले लीजिए, 2 किलो दाल ले लीजिए, 2-3 तरह की, उनको पीस लीजिए अच्छी तरीके से। 1 किलो बताया है, 7 दाल हैं, अच्छा 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 3 किस्म का तेल है, 3 किस्म की दाल है, नहीं नहीं थोड़ी मात्रा में लेना है। जीवामृत में वो जमीन में नीचे काम नहीं करेगा, क्योंकि वो है कैसा, देखिए दाल में क्या होता है, प्रोटीन होता है, दाल में प्रोटीन होता है। आप प्रोटीन जो है ना, पौधे की पत्तियों को डायरेक्ट भोजन है। आपने देखा होगा ना, बाज़ार में जो अमीनो एसिड्स आते हैं, फॉलिक एसिड आते हैं, ये रेडीमेड फूड है। आपने तुरंत स्प्रे किया, पौधे ने उसको तुरंत ले लिया, तुरंत असर उसका आ गया। जहाँ तक मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है, मान लीजिए आपने पत्ती पीली दिखाई दे रही है, देखिए नाइट्रोजन की यदि कमी है तो नीचे की पत्तियाँ पीली पड़ेंगी किनारे से, फॉस्फोरस की यदि कमी है तो नीचे की पत्तियाँ बैंगनी हो जाएंगी किनारे से, यदि पोटास की यदि कमी है तो नीचे की पत्तियाँ किनारे से जलने लगेंगी, ये पहचान है उसकी। जिंक जो है वो बीच वाली पत्ती पे भी दिखाई देती है, ऊपर वाली पत्ती पे भी दिखाई देती है, उसमें जले जले से जंग जैसी रचना दिखाई देगी, जिंक की कमी से होता है। नींबू की यदि बात करोगे तो नींबू में पत्तियाँ छोटी हो जाएंगी, अलग अलग उसमें है। अब गोभी में बात करेंगे तो जो मोलीबिडनम है उससे विप्टेल बीमारी आती है, बोरोन कमी से बोरोन ब्राउनिंग आती है। अलग अलग फसल में अलग अलग लक्षण हैं, अलग अलग तत्व के डेफिशिएंसी शो होती है, उसका कोई एक रूल नहीं है। वो ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, मेन चीज़ फोकस वही है, सीधा सीधा फंडा है कि जैविक कार्बन बढ़ाइए, ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, बस मेन चीज़ वही है। जिस दिन जैविक कार्बन आपका बढ़ने लगेगा, मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, हापुड़ के पास में, मेरठ के पास हापुड़ है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कोई भी। हापुड़ के पास एक गाँव है और बाबूगढ़ छावनी है, उसके पास में गाँव है, अजब सिंह है, उन्होंने केवल वर्मी कम्पोस्ट 2-3 साल से डालते हैं, वो बनाते हैं घर पे ही, उनकी ज़मीन का जीवांश कार्बन 1% हो गया। तो अभी मैं 2-3 साल पहले उनसे मिला था,
तो उन्होंने बताया कि मेरा जो गेहूं है वो 24 क्विंटल पर एकड़ निकला है, जो केमिकल से भी नहीं निकल रहा है आज की डेट में। पर एकड़ ज़्यादा ज़्यादा जो एवरेज आ रहा है वो 3 क्विंटल 3 5 15 क्विंटल का आ रहा है एवरेज। जो आप केमिकल फार्मिंग में खूब अच्छा डालेंगे चीज़ें तब जा करके 24 निकलेगा, वो भी पंजाब जैसी हरियाणा जैसी स्थिति में। हमारे इधर यूपी साइड में भी इतना गेहूं नहीं निकलता है, एमपी में शायद निकलता होगा, ज़मीन की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो उनका बिना कुछ डाले खाली वर्मी कंपोस्ट से 24 क्विंटल गेहूं निकला है, लेकिन जीवांश कार्बन उनका खुद नापा हुआ है 1% से ऊपर है। तो सीधी सी बात है कि जीवांश कार्बन को बढ़ा लीजिए। तो ये हुई तत्वों की बात। ये जो बैक्टीरिया आप डालेंगे किसी भी जिसके भी थ्रू दे रहे हैं, ये सूक्ष्म तत्वों को भी अपने आप ये प्रोवाइड होते रहेंगे पौधे को, और उनकी कमी आपको महसूस नहीं होने की है। तो जीवांश कार्बन को बढ़ाना है, तत्वों का मैनेजमेंट भी इसी से हो जाएगा। इसके बाद हाँ उसका उसके भी बारे में आते हैं अभी। इसके बाद आती है बीमारी और कीट की बात। इधर से आवाज़ कहाँ से आ रही है? ऊपर मल्टीलेयर क्रॉप हो रही है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ से ऊपर चले गए हैं। अच्छा, हुए क्योंकि आप जितनी मात्रा में फसल का अवशेष डालते हैं, गोबर खाद डालते हैं, दूसरी चीज़ डालते हैं, वो फिक्स फॉर्म में पड़े रहते हैं। और देखिए, अनअवेलेबल फॉर्म में ज़मीन में स्टोर है, काफ़ी मात्रा में है। जब बायोलॉजिकल एक्टिविटी होंगी, सारे बैक्टीरिया काम करेंगे। ये बैक्टीरिया ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन वाला बैक्टीरिया या फास्फोरस वाला केवल फास्फोरस देगा, ये साइड में बहुत सारे काम करता है। ये पीएच को भी ठीक करेगा, जीवांश कार्बन को भी बढ़ाएगा, इसके अलावा जो बिना गाली छड़ी चीज़ पड़ी है उस पर भी काम करेगा। इसके अलावा साथ में जो ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में, वो भी इन कामों को करता है। ये ऐसे मानो कि ये कंप्लीट फूड हैं इनके, जो है ये एक काम के साथ दूसरा काम भी अपने आप करते हैं। तो नेचुरल, बिल्कुल बस बस बस, वो नेचुरल साइकिल अपने आप क्रिएट हो जाती है। तो ये बायो फर्टिलाइजर सारे तरह का आते हैं, चाहे तो आप बाजार से लेकर डाल लें या आप अपने आप जो है इस तरीके से ऐसे रिसाइकिल करके उसमें डालते रहें। हाँ, सारे होते हैं मल्टीप्लाई। देखिए, अब यहाँ हम सारे क्यों पूरे देश से जो है जैविक वाले लोग आए, एक ही मेंटिलिटी के हैं ना कहीं एक टीस तो सबको है ना, है वही चीज़ ज़मीन में होगी कि सब जब एक सिचुएशन बनती चली जाएगी तो फिर बाकी अपने आप जागृत होते चले जाते हैं।